हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेट एक्स एजुकेशन। तो हम लोग बात करने वाले हैं आज कि ये जो एग्ज़ाम के टाइम में जो प्रिपरेशन का शेड्यूल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, और एग्ज़ाम के टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है कि बच्चों की कि टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि थ्योरी पढ़ा जाए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया जाए, कि मतलब पूरा का पूरा उनका जो है माइंड इस चीज़ को लेकर के पूरा डाइवर्टेड होता है। हर तरीके से उनको प्रॉब्लम होती है कि हम टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। तो देखिए, टाइम मैनेज करना अगर कोई बताता है बेसिकली, तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप उसको फॉलो कर लेंगे, लेकिन हाँ ये वो ज़रूर हो सकता है कि कुछ टूल्स होते हैं, कुछ ट्रिक्स होते हैं जिनको बता करके आपको ये समझाया जा सकता है कि आप किस तरीके से अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हैं। जैसे स्पेशली आप अगर केमिस्ट्री की बात करिए, तो केमिस्ट्री के जो सेकेंड टर्म में आपको चैप्टर्स दिए गए हैं, वो चैप्टर्स हैं आपके, पहला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दूसरा है आपका केमिकल काइनेटिक्स, तीसरा है सरफेस केमिस्ट्री, एफ ब्लॉक एंड डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाद में आपका एल्डिहाइड, क्यूटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन, यानी कुल टोटल 7 चैप्टर्स आपको करने हैं। अब बात आती है कि आप अब जो बचा समय है, मान लीजिए 1 महीने का टाइम बचा है या 1.5 महीने का टाइम बचा है, इस टाइम में आप कैसे मैनेज करें, ये स्पेशली किसी एक सब्जेक्ट की बात नहीं है, ये किसी भी सब्जेक्ट की बात है, एक्स वाई जेड आपका मैथमेटिक्स हो या फिजिक्स हो, कि कैसे हम टाइम को मैनेज करें। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम आपको ये कहें कि आप पूरी तरीके से थ्योरी कर लीजिए और थ्योरी पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन लगाइए, तो ये गलत होगा, क्योंकि पूरा का पूरा थ्योरी, अब आप पूरी अगर टॉपिक वाइज थ्योरी करने जाएंगे तो आपका बहुत टाइम चला जाएगा। करना क्या है आपको, नोट करिए। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको एक फिक्स्ड आवर सेलेक्ट करने हैं, एक टाइम टेबल बनाना है अपना। टाइम टेबल मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप टाइम टेबल बना करके दीवार में अपने स्टडी रूम में चिपका लीजिए और उसके बाद जो है ऐसे ही टहलते रहिए। आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि मुझे कम से कम 4 से 5 घंटे पढ़ने, पहली चीज़। इसमें सबसे पहले जो भी सब्जेक्ट आप उठाएंगे, स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तो भाई आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसकी हम बात नहीं करते हैं, हम जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं उनकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आप जो भी चैप्टर है उसकी एक ब्रीफ स्टडी करेंगे, उसके की पॉइंट्स लिखेंगे कि ये चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं, या आप उस टाइम पे पढ़ते समय जो कुछ भी दिमाग में आएगा आप उसको नोट डाउन करेंगे, ठीक। फिर क्या करेंगे, दूसरा काम आपको करना ये है कि आप क्वेश्चन उठाइए प्रीवियस ईयर के और देखिए कि किस पैटर्न पे काम हुआ है, किस पैटर्न पे क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं, और क्या आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। अगर हाँ, तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, ठीक। तो करना आपको बेसिकली यही है कि आप पूरी पूरा का पूरा चैप्टर वर्ड टू वर्ड ना करके पढ़ के एक ब्रीफ स्टडी करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। याद रखिएगा, केवल और केवल स्टडी से, यानी थ्योरी से, और केवल केवल क्वेश्चन, दोनों से ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। करना आपको ऐसे ही पड़ेगा कि आप एक बार थ्योरी के थ्रू जाइए, फिर एक बार आप क्वेश्चन के थ्रू जाइए। बेसिकली आपको थ्योरी से ही क्वेश्चन या क्वेश्चन से ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना है, ठीक है। तो ये करके देखिए, और मैक्सिमम आपको 1 वीक में इसका रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। और जो चैप्टर हैं, अब जैसे थ्योरी चैप्टर हैं, जैसे केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो सबसे पहले आप उठाइए केमिकल काइनेटिक्स। अब आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि केमिकल काइनेटिक्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया, ठीक है, और मॉलिक्यूलरिटी हो गया, कैसे चेक करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, डिपेंडेंसी ऑफ द रिएक्शन ऑन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये हो गया। तो ये सारी चीज़ों को एक बार हल्का फुल्का आप समझ लीजिए, और समझने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप उनका जो की पॉइंट्स है, जो एक वन लाइनर आप बना सकते हैं, वो आप कर लीजिए। और ये नोट्स जो आप बनाएंगे आज,
ये आपको एग्जाम के टाइम में बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से करिए कि सबसे पहले आप केमिकल काइनेटिक्स देखिए, केमिकल काइनेटिक्स के जस्ट बाद आप फिर आ जाइए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, सरफेस केमिस्ट्री पे, फिर सरफेस केमिस्ट्री के बाद फिर आ जाइए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ये चार अगर आप कर लिए ना तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक। फिर बचेंगे आपके तीन जो थोड़े से टफ भी पड़ेंगे, रिएक्शन बेस्ड हैं, तो उनको आप बाद में धीरे धीरे करके कर लीजिएगा। लेकिन सबसे पहले जरूरी ये है कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, आप एक अच्छे कॉन्फिडेंस लेवल पे आ जाइए कि हाँ अब हम कुछ बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके देखिए और आपको इसका रिजल्ट एक हफ्ते के अंदर आएगा। एक हफ्ते में आप मुझे खुद मैसेज करके बताओगे कि सर आपने जो बताया था वो ट्रिक बहुत काम में आ रही है, ठीक है। तो ये बात थी, ये एक इन्फॉर्मेशन था। और बाकी अगर जो है आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर जरूर करिएगा ताकि और लोगों तक ये बात पहुंच सके। बाकी हम लोगों का जो बैच है 24 जनवरी से, अपकमिंग 24 जनवरी से द फाइनल डेस्टिनेशन बैच लॉन्च हो रहा है, जिसमें पूरा का पूरा हर सब्जेक्ट का आपका रिविजन कराया जाएगा। तो उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।